जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे बात की थी कि जो साइंटिफिक तरीके से मोटिवेशन को किस प्रकार परिभाषित किया गया है, किस प्रकार से वैज्ञानिक तरीकों से बच्चों को कैसे मोटिवेशन सिखाना चाहिए, कितने प्रकार का होता है और क्या कैसे, और मतलब ये मोटिवेशन को किस प्रकार से हम समझ सकते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बात की। अगर आप पिछला वीडियो आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप इस वीडियो को अच्छी तरह समझ पाएंगे और मोटिवेशन का फायदा मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, तो आप अच्छी तरह जान पाएंगे, समझ पाएंगे और मोटिवेशन के इस फायदों को उठाकर जीवन को एक नई दिशा जरूर दे पाएंगे। तो मैं बात करने वाला हूँ मोटिवेशन के फायदे क्या हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि जो मोटिवेशन होता है वो इंटरनल और एक्सटर्नल होता है, मतलब कि आंतरिक मोटिवेशन और बाहरी मोटिवेशन। तो हम बात करेंगे कि इंटरनल मोटिवेशन का क्या फायदा होता है। इंटरनल मोटिवेशन का जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो है कि काम को लेकर गंभीरता आती है, जिसे हम कहते हैं सीरियसनेस। अब आप अगर काम को लेकर सीरियस हो, काम को लेकर आप गंभीर हो, अपने लाइफ को लेकर सीरियस हो, तो कहने के आप समझ जाना आप मोटिवेटेड हो, आपके अंदर मोटिवेशन है, आप इंस्पायर्ड हो लोगों से, आप प्रेरित हो, तो आप समझ जाना कि आप अपने लाइफ में सक्सेस होने के लिए पूरी तरह तैयार हो। तो इसका जो दूसरा फायदा है वो है दूरदर्शिता आती है, मतलब कि ट्रांसपेरेंसी। आप दूर लंबा सोच पाते हो, अगर आप लंबा सोच पा रहे हो, अगर आप काम करने की आपको दूरदर्शिता आप कर पा रहे हो, ट्रांसपेरेंसी आपके काम में है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर इंटरनल मोटिवेशन है और आप सक्सेस के लिए पूरी तरह प्रिपेयर हो। उसके बाद में जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, चीजों को एनालिसिस करना आता है। अगर आपके अंदर इंटरनल मोटिवेशन है तो आपको चीजों को एनालिसिस करना अच्छे तरीके से आता है। अगर आप चीजों को एनालिसिस करना सीख जाते हो तो फिर आप समझ जाना कि आपको सफल होने से दुनिया में कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन ये चीजों का एनालिसिस करना तभी आएगा जब आपके अंदर इंटरनल मोटिवेशन होगा, मतलब कि आंतरिक मोटिवेशन होगा, तभी आप चीजों को एनालिसिस कर पाओगे और अच्छे से अच्छे जीवन में परिणाम ला पाओगे। उसके बाद में जो है, अगर आपके अंदर इंटरनल मोटिवेशन है तो आप धीरे के माध्यम से जो पेशेंस होता है, उस पेशेंस का आप अच्छे तरह से अपने जीवन में उपयोग करके आप जीवन को एक नई दिशा दे पाएंगे। जिसे आप जानते होंगे कि धैर्य से किसी भी काम को आसानी से हल किया जा सकता है, सरलता से हल किया जा सकता है और जीवन को एक नई दिशा दी जा सकती है। तो चारों चीजें इंपॉर्टेंट है इंटरनल मोटिवेशन में, ये फायदा मैंने बताया। अब बात करूंगा एक्सटर्नल मोटिवेशन का फायदा क्या है। एक्सटर्नल मोटिवेशन का जो फायदा होता है वो है, जैसे मैंने बात की थी, कि इसके अंदर रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, जो आपके परिणाम होते हैं काम के प्रति वो ओरिएंटेड होता है, और इसके अंदर प्लानिंग और स्ट्रेटजी आप बेहतर बनाते चले जाओगे, क्योंकि आप किसी काम को कर रहे हो परिणामों के लिए, तो इसमें आप प्लानिंग और स्ट्रेटजी अच्छे से बना पाओगे। उसके बाद में अप्रोच पॉजिटिव होगी, अप्रोच तो पॉजिटिव वैसे भी होगी अगर आपके अंदर इंटरनल मोटिवेशन है या एक्सटर्नल मोटिवेशन है, मतलब किसी भी प्रकार के आप मोटिवेटेड हो तो फिर आप पॉजिटिव रहोगे, मतलब सकारात्मक हमेशा रहोगे, तो अप्रोच तो आपकी पॉजिटिव होगी सही। उसके बाद में क्विक रिजल्ट मिलता है एक्सटर्नल मोटिवेशन में, मतलब जैसे मैंने बात की, आप किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप अच्छे से एक दो महीने में तैयारी करके अच्छे परिणाम ला सकते हो और क्विक रिजल्ट ला सकते हो, तो इसके जो है परिणाम ओरिएंटेड होते हैं और क्विक रिजल्ट क्विक परिणाम आप जल्दी से परिणाम आप इसमें पा लेते हैं, और इसमें कम एफर्ट के साथ कम समय में एक अच्छे परिणाम आप ला सकते हैं। जैसे मैंने बात की कि एक दो महीने में आप अच्छे से तैयारी करके एक अपने परीक्षा के परिणामों को बेहतर बना सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक आपको काम करना है और अपने बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना है तो आप इंटरनल मोटिवेशन का जो है बहुत बड़ा रोल निभाना होगा अपने लाइफ में, और आपको आंतरिक मोटिवेशन पर ध्यान देना होगा, तभी आप अपने बड़े लक्ष्य को अचीव कर पाओगे, लंबे समय तक अपने जीवन में सक्सेस के प्रति जो है आप प्रेरित हो पाओगे। तो बस यही था कि इंटरनल मोटिवेशन के और इंटरनल और एक्सटर्नल मोटिवेशन का क्या फायदा होता है। उम्मीद करता हूँ आप जरूर समझ पाए होंगे, तो अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो जरूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और अपने फैमिली के साथ, जरूर जुड़े रहना कुलदीवर्स फैमिली के साथ जुड़ना, और जीवन में कुछ आप सिखाना कुछ हम सिखाएंगे और जीवन में निरंतर आगे बढ़ने के लिए जरूर हम प्रेरित होंगे। लव यू फ्रेंड्स, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।